माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिचित क्लासेस आज की जो मेरी वीडियो है वो चैप्टर वन हिस्ट्री पार्ट थर्ड दो पार्ट हम बना चुके हैं आप लोग देख भी चुके हैं तीसरा पार्ट है एक बात और है कि हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है हम जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को पढ़ेंगे इससे हमको लगता नहीं है कि आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की आज का पहला क्वेश्चन है लेकिन चैप्टर का 101 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, हंड्रेड वन सत्तर बच्छर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द करेक्ट आंसर इज डी बिपिन चंद्रपाल क्वेश्चन नंबर 102, हंड्रेड टू द ऑथर ऑफ जीवन स्मृति इज द करेक्ट आंसर इज सी रविन्द्र टैगोर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 103 हंड्रेड थ्री हुर झाड़पता मींस लाइफ फॉल एन लिप्स एंड द करेक्ट आंसर इज बी सरला देवी चौधरानी क्वेश्चन नंबर 104 हंड्रेड फोर हु फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ मॉडर्न बेंगाल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सरला देवी चौधरानी क्वेश्चन नंबर 105

प्रवासी अगला क्वेश्चन है 107। हंड्रेड सेवन वी फाइंड द मेन्शन ऑफ नवगोपाल मित्राज हिंदू मेला इन इसका सही जवाब है सी जीवन स्मृति क्वेश्चन नंबर 108। हंड्रेड एट जवाहरलाल नेहरू लेटर टू इंदिरा गांधी वर ट्रांसलेटेड इन टू हिंदी द करेक्ट आंसर इज बी Munsi Premchand. Question number one hundred nine: Who wrote the book Letters from a Father to His Daughter? The correct answer is A. Jawaharlal Nehru. Question number one hundred ten: How many letters were written to Indira by her father in Letters from a Father to His Daughter? The correct answer is B. Thirty. क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड इलेवेन जीवनेर झाड़पता बाई सरला देवी चौधरानी वॉज पब्लिश इन द मैगजीन द करेक्ट आंसर इज सी देश देश वॉज द वीकली मैगजीन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नेम द फर्स्ट बंगाली पीरियोडिकल द करेक्ट आंसर इज बी दिग्दर्शन क्वेश्चन नंबर 113 हु एडिटेड दिग्दर्शन द करेक्ट ऑप्शन इज बी जे मार्क्समैन लिखा है यहाँ पे जेसी मार्क्समैन उसका फुल फॉर्म होता है जॉन क्लार्क मार्क्समैन क्वेश्चन नंबर 114 इन विच ईयर वाज़ द फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड द करेक्ट ऑप्शन इज एटीन 1818 क्वेश्चन नंबर 115 हंड्रेड फिफ्टीन पेन वॉज बंगदर्शन फर्स्ट पब्लिश द करेक्ट आंसर इज सी 1872 क्वेश्चन नंबर 116 हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ बंगदर्शन बंगदर्शन के पहले एडिटर कौन थे इसका करेक्ट आंसर है डी बंकिमचंद चट्टोपाध्याय क्वेश्चन नंबर 117 बंग दर्शन वाज पब्लिश द करेक्ट ऑप्शन इज ए मंथली क्वेश्चन नंबर 118 द कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स एंड कमेंट्स अबाउट करेंट इवेंट्स पब्लिश्ड ऑन अ डेली बेसिस इज अ द करेक्ट आंसर इज बी न्यूज़पेपर Question number 119, which was the following according to Dr. Ramesh Chand Majumdar was the first literary general of its kind in Bengal. The correct option is C. Bangdarsan. Question number 120, who later became the editor of Bangdarsan? The correct answer is D. Rabindranath Tagore. क्वेश्चन नंबर 121, व्हेन वाज सोमप्रकाश फर्स्ट वॉज सोम द करेक्ट आंसर इज बी 1858। क्वेश्चन नंबर 122, हु वाज द एडिटर ऑफ सोम प्रकाश सोम प्रकाश का एडिटर कौन था इसका सही जवाब है सी द्वारकानाथ विद्याभूषण क्वेश्चन नंबर 123, हंड्रेड ट्वेंटी थ्री

प्रकृता स्वाधीनता ये एक बुक है स्टेटेड एज फ्रीडम इज फॉर मेन इन कंट्री फॉर द वीमेन देयर इज अ अडेज जिस तरीके से हमारे देश में आदमी को स्वतंत्रता है उसी तरीके से औरतों को बंधन है यह बुक किसने लिखा है द करेक्ट आंसर इज बी भुवन मोहिनी बसु क्वेश्चन नंबर 126 The editor of Bengal Gazette was, the correct answer is A. James Augustus Hickey. Question number 127. The writer of Anand Mat was, the correct answer is B. Bankim Chan Chattopadhyay, or Chatterjee. Question number 128. द एडिटर ऑफ द बेंगोली वॉज द करेक्ट ऑप्शन इज सी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन वॉट वॉज द फर्स्ट न्यूज पेपर पब्लिश इन बेंगाल चारो ऑप्शन यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोगों को दिग्दर्शन बंगदर्शन बेंगाल गजटी सोम प्रकाश क्योंकि इसको लेकर के हिस्टोरियन में थोड़ा विवाद रहा है एक स्टेंजा है हम पढ़ रहे हैं आप लोग सुन लीजिए देर इज अ डिसएग्रीमेंट एमंग स्कॉलर एज टू द फर्स्ट बंगाली न्यूज पेपर सम राइटर्स आर इन फेवर ऑफ गिविंग द ऑनर टू बेंगाल गजटी ऑफ गंगाकिशोर भट्टाचार्य वाइल देर आर अदर्स हु गिव क्रेडिट टू समाचार दर्पण अंडर द एडिटरशिप ऑफ जेसी मार्समैन जॉन क्लार्क मार्समैन हाउ एवर इट इज एडमिटेड ऑल हेंड्स नाउ दैट बेंगाल गजटी इज द फर्स्ट वीकली न्यूज पेपर पब्लिश इन 1818 एटीन इन बेंगाली लैंग्वेज इसके अनुसार आप लोग ऑप्शन सी पे करेक्ट करेंगे बंगाल गजटी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी हु करेक्ट आंसर इज सी नवगोपाल मित्र क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी वन The song Amar Sonar Bangla was composed by, the correct option is A. Rabindranath Tagore. 132. The odyssey dance Maestro is, the correct option is C. Kelu Mahapatra. Question number 133. In which state was Kathakali dance form born? The correct answer is C. Kerala. Now, 134. Who contributed to the Indianization of Indian art during the British period? The correct answer is A. Abanindranath Tagore. Question number 135. Why is Ravi Burma famous for? Ravi Burma famous se painting Kelly. The correct option is C question number 136 the editor of sandhya was the correct option is b brahmabandhav upadhyay 137 the first photographer of india in 19th century was the correct answer is b lala dindayal question number 138 वॉज द पायोनियर ऑफ साइंटिफिक स्टडीज इन इंडिया कई जगह पे इसका आंसर आचार्य जगदीश चंद्र बोस भी आता है लेकिन यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें करेक्ट आंसर होगा सी प्रफुल्ल चंद्र रॉय क्वेश्चन नंबर 139। फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया वाज़ पास्ड इन एटीन

The Chipko movement in India was carried on for the correct answer is D environment. Now one hundred forty five. Who among the following took a leading role in Narmada Bachao movement? The correct answer is C Medha Particle. Question number one hundred forty six In which year was the Indian Museum founded?

बेलोर मठ का जो फाउंडेशन रखा गया था वो 13 मार्च 1929 को और ये बन के तैयार हुआ था 1938 में तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी पे टिक करेंगे 1938 लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दोनों डेट दिया हुआ है तो आप अलग अलग करके लिख देंगे लेट फाउंडेशन स्टोन ऑन 13 मार्च 1929 एंड इट्स कंप्लीटेड इन 1938 Agla hai 149. Which tool can link up all people around the world in a twinkle of an eye? The correct answer is C. Internet. Now, 150. The concept of Internet, WWW, World Wide Web, came into being in... The correct answer is D. 1990. 1989 में ये डेवलप हो गया था लेकिन दुनिया के सामने आया था 1990 में इसलिए आप ऑप्शन डी पे टिक करेंगे अगला है 151 हंड्रेड वेयर इन द वर्ल्ड इज अ कंट्रोल ऑन द यूज ऑफ इंटरनेट संसार में किस देश में इंटरनेट पे कंट्रोल है मेरे समझ से कहीं भी नहीं है द करेक्ट ऑप्शन इज सी नो वेयर इन द वर्ल्ड वन हंड्रेड फिफ्टी टू जीवनर झाड़पता क्या है ये नॉवेल पोयम बायोग्राफी इसका करेक्ट आंसर है डी एन ऑटोबायोग्राफी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी थ्री एंड द लास्ट वन सोम प्रकाश वॉज करेक्ट ऑप्शन इज बी वीकली पेपर ओके थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर टू एमसीक्यू के साथ